वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति वाली। आज मैं आपको शेयर करने वाली हूँ हेयर कलर कैसे करना है। गार्नियर कलर नेचुरल्स क्रीम रिच नरिशिंग परमानेंट हेयर कलर है। नो अमोनिया है, इंस्टेंट कलर रिजल्ट देता है जैसा इस पे लिखा हुआ है। एंड लास्ट अप टू 10 वीक्स में आप इसको कर सकते हो दोबारा। और 100% ग्रे हेयर्स को कवर करता है। आई थिंक आपको अच्छे से ये सब कुछ क्लियर ही दिख रहा होगा। तो मैं ये कलर फर्स्ट टाइम अप्लाई करने वाली हूँ। आई डोंट नो कि मेरे फेस पे सूट करेगा नहीं करेगा, बट मैं कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती थी तो मैं करने जा रही हूँ। और मेरे ग्रे हेयर जो है काफ़ी ज़्यादा दिखने लग गए थे, जिसकी वजह से अभी मुझे हेयर कलर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो अभी मुझे अपने भाई की शादी में जाना है, जो कि ग्रे हेयर्स के साथ मैं नहीं जाना चाहती थी। तो चलिए हेयर कलर कैसे करना है बताती हूँ आप लोग को। तो गार्नियर का मैंने पहले भी हेयर कलर अप्लाई किया है, ये 3.1616 शेड नंबर है। और देखते हैं ये हेयर कलर कैसा लगता है। पहले मैंने गार्नियर का अप्लाई किया था, बट ये वाला कलर ब्राउन शेड में अप्लाई किया था। मैंने ब्राउन शेड बहुत ढूंढा दुकानों पे, बट मिला नहीं। तो मुझे फाइनली ये मिला तो मैंने ये ले लिया है। बट ब्राउन कलर भी मैंने ऑर्डर कर दिया है। बाय द वे ये कलर मुझ पर सूट ना करे तो मैं वो अप्लाई कर लूँ, शादी से पहले आ जाएगा वो भी। तो चलिए, वैसे आपको कहीं जाना है फंक्शन पार्टी में, अगर आप हेयर कलर करना चाहते हो तो 8 से 10 दिन पहले अप्लाई कर लो, ताकि आपका जो कलर है वो अच्छे से सेट हो जाए और मतलब आपके चेहरे के साथ सूटेबल दिखे। तो अब तुरंत तुरंत जैसे हेयर कलर अप्लाई करते हैं वो स्कैल्प के साथ हमारे लग जाता है, जिसकी वजह से हमारा हेयर कलर अच्छा नहीं लगता है। बट आप 8-10 दिन पहले अप्लाई कर लोगे तो हल्का सा ग्रोथ हमारा हेयर का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हेयर कलर है वो काफ़ी अच्छा दिखता है। तो ये वाला शेड है, आप देख सकते हो यहाँ पे पिंक कलर में है, थोड़ा सा वाइन कलर में आएगा। इसमें हमको दिया हुआ है ये, इससे कुछ लिखा होगा ये दिया है। एंड हमको अंदर एक ग्लव्स दिया हुआ है, इसके अंदर पूरी डिटेल्स इस कलर के बारे में आपको लिख के मेंशन की हुई है। एक कंडीशनर दिया हुआ है, जब आप हेयर वॉश करोगे तो आपको शैम्पू यूज़ नहीं करना है, बालों से अच्छे से कलर को निकालने के बाद डायरेक्ट कंडीशनर अप्लाई करेंगे एंड धो देंगे बालों को। और ये हमको ग्लव्स दिया हुआ है, कलर नेचुरल रिच क्रीम कंडीशनर है ये देखो। अगर आप शैम्पू लगा दोगे तो कलर का जो असर है वो पूरा परफेक्टली नहीं आता है। तो आपको शैम्पू नहीं लगाना है, हेयर को वॉश करके कंडीशनर लगा के 2 मिनट छोड़ के फिर पानी से वॉश कर लेना, फिर आप 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद से शैम्पू कर सकते हो। और इसके अंदर हमको दिया हुआ है क्रीम रिच, ये क्रीम दिया हुआ है, ये हमको डेवलपर दिया हुआ है। इन दोनों को मिक्स करना है अपने बालों की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे एक कांच की बाउल ले रही हूँ और इसके अंदर क्रीम को निकालूंगी। इस तरीके से सील्ड होता है, पैक होता है, तो इसको इसके अंदर जो नोक दी हुई है तो इसी से आप निकाल दोगे तो अपने आप क्रीम बाहर आ रहा है। इसमें आपको दिख रहा होगा होल करने के लिए दिया होता है, इसी से बस आप होल कर सकते हो। तो मैं सारा कलर एक साथ नहीं लगाऊंगी, पहले मैं आधा ले ले रही हूँ, जितना कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगी। वैसे ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे बाल लंबे हैं, उतने भी लंबे नहीं हैं बट हैं। बॉयज़ के लिए हाफ में हो जाएगा। फिर मैंने ये डेवलपर भी खोल लिया है, इसका भी आधा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ओके, जरूरत पड़ेगी तो हम ये पूरा भी अप्लाई करेंगे। तो इससे मैं अपने फेस पे अप्लाई करती हूँ, तो इसको मैं यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, दूसरा ब्रश ले लेते। तो फ्रेंड्स, जो हेयर कलर वाला ब्रश है वो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं इसी से अप्लाई कर दे रही हूँ। फेस के लिए मैं नया ब्रश ले लूँगी। तो अच्छे से इसको मिक्स करना है, डेवलपर एंड क्रीम को बंद करके रख दीजिएगा, जो चीज़ अभी आपको यूज नहीं करनी है उसको। एक मिनट तक आपको ऐसे ऐसे करके मिलाना है। मैंने हेयर को अच्छे से वॉश कर लिया है। जब भी आप अपना हेयर कलर अप्लाई करने जा रहे हो तो हेयर में कोई भी ऑयल वगैरह ना हो, पूरा क्लीन हो, इसलिए वॉश कर लेना चाहिए। तो मैंने अभी वॉश आधे घंटे पहले अपने हेयर को वॉश किया था, मेरा हेयर अच्छे से ड्राई हो चुका है। तो ये क्रीम को भी मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, आई होप कि दिख रहा होगा इस। ओके, काफ़ी गाढ़ा फोम में है ये। तो चलिए अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। जहाँ जहाँ आपका ग्रे हेयर है आप ग्लव्स पहन लेना, अगर आपको हाथों में नहीं हाथों में ना लगे इसके लिए। तो मैंने ये ग्लव्स पहन लिया है, एक ही हाथ में पहनूंगी मैं।
और अच्छे से क्रीम को अपने ग्रे हेयर्स पे अप्लाई करना है। डायरेक्ट आप इसको जड़ से भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम कलर अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा पैच चेक कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कोई इचिंग प्रॉब्लम ना हो। उसके लिए आप अपने ईयर के पीछे यहाँ पे थोड़ा सा क्रीम लगा दो। आपको 2 से 4 मिनट तक रुकना है, 5 मिनट तक, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्रीम आपको सूटेबल है या नहीं। कैसे पता करना है, उसके लिए आपको 5 मिनट रुकोगे। अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा हो तो इचिंग या फिर जलन खुजली ऐसा कुछ फील हो तो आप ये कलर मत अप्लाई कीजिएगा। वैसे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, बट किसी किसी की स्किन सेंसिटिव होती है तो उसको दिक्कत हो सकता है। मेरे ज़्यादातर इसी एरिया पे साइड स्कैल्प जो होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेयर पक चुके हैं, वाइट हो चुके हैं। आप किसी की हेल्प लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि हेल्प लेके अगर आप लगाते हो कलर तो बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। खुद से थोड़ा सा हेयर कलर अप्लाई करने में डिफ़िकल्ट होता है, दिक्कत होती है। आप जब कलर अप्लाई करते हो तो अगर अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा तो आप एक कॉम्ब लेके अच्छे से बालों में कॉम्ब कर दीजिएगा, जिससे कि आपका जो हेयर कलर है वो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा। तो पूरे बालों पे मैं लगा के और फिर दिखाती हूँ आपको। ओके, अब जो बचा हुआ क्रीम था वो भी मैं ले रही हूँ, क्योंकि मेरे बालों में और एक्स्ट्रा क्रीम की ज़रूरत है। तो इस तरीके से पूरा बालों पे मैंने कलर को अप्लाई कर दिया है। अब मैं इसको कॉम कर रही हूँ ताकि अच्छे से सारे बालों में कलर लग जाए। और इसको हम लोग आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे। आधे घंटे के बाद से मैं इसको वॉश करके इसका फाइनल रिजल्ट जो है वो दिखाती हूँ आप लोगों को। ओके, तो ये अच्छे से मैंने बालों में कलर अप्लाई कर लिया है। देन आधे घंटे तक अगर आपको और भी अच्छा रिजल्ट चाहिए, तो मेरे लास्ट वाले जो हेयर हैं उनमें अच्छे से कलर नहीं लग पाया है क्योंकि कलर ख़त्म हो गया है, तो आप थोड़ा सा अच्छे से रिजल्ट के लिए 2 फाइल खरीद लीजिएगा 85 रुपीज़ का। ओके, तो इसको हम लोग आधा घंटा वेट करते हैं, उसके बाद से वॉश करके और फाइनल रिजल्ट आपको दिखाते हैं। वॉश करने के लिए आपको सिंपली नॉर्मल पानी से पहले हेयर को कलर को अच्छे से निकालना है, फिर कंडीशनर अप्लाई करना है, फिर से पानी से 2 मिनट के बाद धो लेना है। ओके तो फ्रेंड्स, कलर लगाए हुए मुझे आधे घंटे हो चुके हैं। अब मैं हेयर को वॉश करके फिर आती हूँ और बालों को ड्राई करके आप लोगों के साथ फाइनल लुक शेयर करती हूँ। हेयर को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ग्रे हेयर यानी कि वाइट हेयर कवर हुए हैं या नहीं ये सूखने के बाद मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, एंड बालों का कलर क्या आया है। सब कुछ बाल सूख जाएंगे अच्छे से, उसके बाद से मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे बालों का जो फाइनल कलर है वो कुछ इस तरीके का आया है। काफ़ी अच्छा लग रहा है, एग्जैक्ट जैसा मैंने कवर पर आपको दिखाया था वैसा ही कलर बालों में आ गया है, देख सकते हो। तो ये कलर अच्छा है, आप ट्राई कर सकते हो। एंड जो ग्रे हेयर की बात है वो अच्छे से कवर हो चुकी है, कहीं भी मेरा ग्रे हेयर नहीं दिख रहा है। और कलर भी काफ़ी अच्छा है, नेचुरल लुक के लिए आप ये कलर ट्राई कर सकते हो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी इस तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। नेचुरल लुक जिसको भी चाहिए आप ये कलर ट्राई कर सकते हो। बाय गाइज़।